भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर का एक बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद सरदर्द बन गया है। प्रज्ञा ठाकुर ने बयान देते हुए कहा था कि करकरे को मैंने कहा था कि तेरा सर्वनाश होगा, ठीक सवा महीने बाद आतंकियों ने उसे मार दिया। प्रज्ञा भारती द्वारा जो बयान दिया गया है उसमें उसने कहा है कि सुरक्षा आयोग के सदस्य ने मामले की जांच कर रहे हेमंत करकरे को कहा था कि जब साध्वी के विरुद्ध कोई सबूत नहीं है तो उन्हें छोड़ दो, उन्हें रखना गैरकानूनी है। इस पर करकरे ने कहा, मैं कुछ भी करूंगा, कहीं से भी लाऊंगा, सबूत बनाऊंगा, पर साध्वी को नहीं छोड़ूंगा। यह उसकी कुटिलता थी, देशद्रोह था या धर्म विरुद्ध था, वह तमाम प्रश्न मुझसे करता था। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ है? मैंने कहा, मुझे क्या पता, भगवान जाने। तो वह कहता, क्या मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा? मैंने कहा, आपको विश्वास नहीं तो आप जरूर जाइए। तब मैंने कहा था कि तेरा सर्वनाश होगा। उसने मुझे इतनी यातनाएं दी, इतनी गालियां दी जो आसानी थी। किसी के करने पर सवा महीने का सूतक लगता है। जब मैं जेल गई तो उसे सूतक लगा, ठीक सवा महीने में उसे आतंकियों ने मारा और सूतक का अंत हो गया। कुल मिलाकर प्रज्ञा भारती के इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है और इसको लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि वे प्रज्ञा ठाकुर के बयान की निंदा करते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है वह हमारे जितने भी वर्दी में फोर्सेस से उनका अपमान है। अगर यही शुरुआत है तो मैं सोचता हूँ प्रज्ञा का अंत क्या होगा। उनकी यही सोच देश को कष्ट देती है। बड़े दुख की बात है कि भाजपा इसका एहसास नहीं कर रही और इस तरह से चुनाव लड़ना क्या हमारा प्रजातंत्र है? लोकतंत्र के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है? इधर भोपाल से कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने कहा है कि देश की रक्षा के लिए शहीदों के बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मैंने तय किया है कि मैं विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दूंगा। लेकिन हेमंत करकरे कर्तव्यनिष्ठ अफसर थे, वे देश की रक्षा के लिए शहीद हुए। पूरे देश को उनकी शहादत पर गर्व है। उनकी शहादत पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना ठीक नहीं है। कुल मिलाकर ATS प्रमुख थे हेमंत करकरे। 1982 बैच के IPS अधिकारी थे। मालेगांव ब्लास्ट की जांच कर रहे थे। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई में आतंकी हमले के शुरुआती कुछ घंटे में 3 गोलियां लगने के बाद वे शहीद हो गए थे। इधर भोपाल में हेमंत करकरे के बहनोई ने यह कहा है कि हेमंत करकरे शहीद है और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चुनाव के दौरान कोई ऐसे स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? लगता है कि प्रज्ञा सिंह अपरिपक्व है। भोपाल संसदीय सीट के लिए वे चुनाव लड़ रही हैं, उन्हें ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। इसी बीच यह खबर आई कि प्रज्ञा ठाकुर द्वारा अपना बयान वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि विरोध हुआ तो एक दिन बाद बोली वे खुद ही कि दुश्मनों को बल मिल रहा है, मैं अपने बयान यहाँ से वापस लेती हूँ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।